हेलो फ्रेंड्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी, तो बिल्कुल सेशन को ध्यान से देखिएगा। और ये बता दूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने समुद्र मंथन कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। वन लाइनर याद रखना है, समुद्र मंथन कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने। ये बेसिकली उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनके वेलफेयर के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ से एक स्टैटिक बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है। तो याद रखना है, वन लाइनर, मुंबई, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है और अच्छी न्यूज़ है। विश्व का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे, जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। यह सर्वे अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्रों में क्लीनलीनेस लेवल यानी कि स्वच्छता स्तर का मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएट करेगा। इसका मेन उद्देश्य है बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन कर कस्बों और शहरों को रहने योग्य, साफ सुथरा और बेहतर स्थान बनाया जा सके। याद रखना, ये सर्वेक्षण जब हुआ था 16 में स्टार्ट हुआ था, तो 16 और 17 में कौन शहर सबसे टॉप पे आया था उसकी बात कर लेते हैं। तो 2016 में आया था मैसूर सबसे टॉप पे स्वच्छता के मामले में, और 2017 तो आपको पता ही होगा इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा था। अब देखते हैं 2018 में कौन टॉप करता है, जब करेगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, उसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्या न्यूज़ है, पहले तो भारत ने सार्क मेंबर्स कंट्रीज में से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसके साथ ही NKN यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क को जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान को निकाल दिया, NKN को जोड़ दिया। सार्क की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अब पाकिस्तान को निकालने के बाद इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज बसती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप ट्रिक देख लो, क्या है, MBBS नहीं। तो हमें MBBS नहीं करना, जैसे मुन्ना भाई को नहीं करना था, MBBS नहीं करना, बस यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, बहुत हार्ड पड़ती है भाई। ठीक है, तो M से मालदीव्स, B से भूटान, B से बांग्लादेश, फिर S से श्रीलंका, और नहीं NAI नेपाल, अफगानिस्तान, इंडिया। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में है। तो इंपॉर्टेंट कुछ भी बन सकता है, आपको पूरी न्यूज़ याद रखनी है। अगला देखते हैं क्या है, देखिए मेघालय 2022 में होने वाले 39th नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। तो वन लाइनर याद रखना है, 2022 में 39th एडिशन किसका, नेशनल गेम्स का जो होने वाला है उसे होस्ट कौन करेगा, मेघालय। उसके साथ के साथ आप याद रखें 2017 के जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे, शायद ये अगस्त में हुए थे, वो कहाँ पे हुए थे, क्वालालंपुर, मलेशिया में। तो नाम आया है 2022 में नेशनल गेम्स होने वाले हैं, वो उसे होस्ट करेगा मेघालय। तो मेघालय की स्टैटिक देखते हैं क्या बनेंगे। कैपिटल है शिलोंग, CM है मुकुल संगमा, और गवर्नर हैं कौन, गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हैं, और ये वाली जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था 2 से 3 मिनट का, वही पॉइंट डिस्कस करे थे या वही पॉइंट बताए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपने नहीं देखा हो तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बैंकिंग वाले में। चलिए क्या है, RBI ने महात्मा गांधी की नई सीरीज का 10 रुपये का नया नोट जारी किया है। तो क्या इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से, वही हम बात करते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेंगे। कलर का याद रखना, चॉकलेट ब्राउन बनेगा। इसका मोटिफ यानी कि इसके पीछे जो आकृति रहेगी, किसकी फोटो बनी है, तो कोणार्क सन टेम्पल की इसकी आकृति बनी हुई है। डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 63 mm × 123 mm। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। कलर चॉकलेट ब्राउन हो गया, मोटिफ हो गया कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, और डायमेंशन 63 × 123। ये जो है आपका कोणार्क सन टेम्पल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। तो देखो इसको डायमेंशन कैसे याद रखना है, आप आगे का नंबर याद रख लो, 63 और 6 × 12, 6 × 12, और पीछे का 3 तो है ही थी, तो ये आपको याद हो गया। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं नोट की बात करता हूँ तो हमेशा बात करता हूँ, ये जो पीछे है आपका बॉक्स बना हुआ है, इसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन्हें कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और वो कितनी होती है, 15। उसके बाद अगर मैं टोटल लैंग्वेज की बात करूँ पूरे नोट पे, तो हिंदी और इंग्लिश को भी जोड़ेंगे तो 15, 16, 17, तो टोटल कितनी हो गई, 17 लैंग्वेज की बात चली रही है। तो देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल कितनी है, 22। चलिए अगली देखते हैं क्या है, अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के अकॉर्डिंग 2017
2018 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई उसने, 6.5%। इसके साथ ही फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, अरुण जेटली। तो बस आपको वन लाइनर याद रखना है, अकॉर्डिंग टू सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के अकॉर्डिंग 2017-18 की जो आपकी जीडीपी रहने वाली है वो कितनी है, 6.5। 2 या 3 दिन पहले हमने इसी तरह की जीडीपी की बात की थी अकॉर्डिंग टू किसके, एचएसबीसी हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो उसने बताई थी आपको 3 साल की, 2017-18, 2018-19, 2019 और 20। क्या क्या बताई थी, 6.5 बताई थी, फिर 7.6। तो देखो 17-18 इसका भी 6.5 है, 17-18 का आपका एचएसबीसी का भी 6.5 था। तो इस तरह से आप दोनों को कंपेयर करके याद रख सकते हैं साथ के साथ, और कोशिश करेंगे आगे जब भी आएगा तो हम तीनों को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आप पुरानी न्यूज़ भूलो ना। अगला देखते हैं क्या है, अगली न्यूज़ है हायर एजुकेशन में भारत का GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 0.7% से बढ़ गया है इन 2016-17 में, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू AIHES यानी कि ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप देख लें 2015 और 16 का रहा था 24.5%, 2016-17 का रहा था 25.2%। परसेंटेज में याद नहीं रखना है, बस आपको इतना सा याद रखना है कितना बढ़ गया है, 0.7% से बढ़ गया है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया परसेंटेज में कि बढ़ने के बाद ये कितना हो गया, 15-16 में था 24.5% और बढ़ करके कितना हो गया, 0.7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25.2%, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो GER एक स्टैटिक मेजर है यानी कि सांख्यिकी माप, जिसमें हम देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने, कितने विद्यार्थियों ने अपना नाम एनरोल कराया है, मतलब एंटर कराया है, नाम लिखवाया है किसमें, हायर एजुकेशन में। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज में बताया। तो आपको याद रखना है 0.7% से बढ़ गया है, ठीक है। उसके अलावा यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर यानी कि HRD जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और इसके अलावा दो चीज़ें और याद रखना, सबसे ज़्यादा जो GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो किसका है, तमिलनाडु का, और सबसे कम आपको पता ही होगा बिहार का, ठीक है। देखो बिहार का सबसे कम है यानी कि यहाँ पे कम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने इसी के थ्रू एक चीज़ याद किया था, नेशनल पार्क्स ऑफ बिहार, याद आ रहा है आप लोगों को, वहाँ पे साधु साधु थे तो दो साधु वहाँ से निकल के आए थे, ठीक है। तो आप मुझे बताना मैंने आपको कौन सा बताया है वो नेशनल पार्क, अगर आपने देखा हो तो, रिसेंटली मैंने अपलोड किया था। चलिए आगे बात करते हैं, अगली जो आपकी न्यूज़ है वो है हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 काठमांडू में शुरू हुआ, नेपाल के प्रेसिडेंट ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस एक्सपो यानी कि ये जो हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 है, इसका उद्देश्य नेपाल की विशाल जल विद्युत क्षमता यानी कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल को उजागर करना है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018 कहाँ पे शुरू हुआ है, तो नेपाल काठमांडू में। बस नेपाल के स्टैटिक याद रखेंगे, कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी की बात कर ले तो नेपालीज रुपी, और PM है शेर बहादुर दुबा, और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने ये शुरू किया है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगली आपकी न्यूज़ है दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है, और इसकी जो थीम रहेगी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रहने वाली है। बस इतना से याद रखना है कहाँ पे शुरू हुआ है, दिल्ली में, और थीम क्या है, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटी सी न्यूज़ थी, अगली जो न्यूज़ होगी वो आपकी इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड महिलाओं और पुरुषों के बीच समान वेतन यानी कि सैलरी वेद यानी कि लीगलाइज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन, आइसलैंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर जॉब करते हैं तो महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर नहीं रखा जाएगा सैलरी में, कि महिला को कम मिलेगी, सबको बराबर मिलेगी। तो इस तरह से ये पहला दुनिया का देश बन गया है, कौन, आपको याद रखना है सिर्फ केवल नाम, आइसलैंड का, ठीक है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, मतलब क्या हो गया, आइसलैंड में अब से काम के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक वेतन यानी कि सैलरी देना अवैध यानी कि इल्लीगल माना जाएगा, यानी कि बराबर देना ही पड़ेगा। तो आइसलैंड का कैपिटल है आपका क्या, रेगजाविक, प्रेसिडेंट है
ग्योइन थोड़ा सा अजीब है देख लो, जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर से याद रख लेना। इसके अलावा आइसलैंड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वलिटी की लिस्ट में भी आइसलैंड को फर्स्ट रैंक मिली थी, यानी कि दुनिया के सबसे लिंग समान देश के रूप में पहला स्थान इसी के नाम है। किसके नाम? आइसलैंड। तो आइसलैंड छा रहा भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है मास, ठीक है। मास वो मूवी वाला नहीं, साउथ की मूवी वाला मास नहीं, MAS यानी कि मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? रवि मेनन। इनको क्या हुआ? तो रवि मेनन को एशिया प्रशांत सागर में बेस्ट सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया। किसके द्वारा? UK बेस्ड मैगजीन के द्वारा, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि UK बेस्ड मैगजीन के द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया? तो उनका नाम कौन होगा? रवि मेनन। देखो नाम कैसे याद रखना है भाई, ये जो आप ये जो नाम दे रहे हो इनका इस चीज में बेस्ट सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में, तो किसी आदमी को दे रहे हो, ठीक है। हम कहते हैं ना ऐसे जनरली, किसी दोस्त से आप कहते हो अबे आदमी है जानवर है, तो किसको देंगे? आदमी को देंगे, जानवर को तो देंगे नहीं। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा ये भाई, ये जो आप दे रहे हो बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो ये खिताब दे रहे हो, किसको दोगे? किसी आदमी को, तो रवि मेनन को, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है TIHCL यानी कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड को NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए RBI से अनुमति प्राप्त हो गई है। TIHCL यानी कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड 2017 में इसने, यानी कि सितंबर की बात है ये, इसने स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड भी जीता था। तो याद रख सकते हो, उस न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। बात करें TIHCL के डायरेक्टर कौन है, तो यह राम राजू। तो इस तरह से याद रखो, यह राम, इसने भी ये काम कर लिया क्या? यह राम राजू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला जो आपकी न्यूज़ रहने वाली है वो है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि CM ने, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगो का अनावरण किया। इस लोगो के टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लोगो के टॉप पे अशोक स्तंभ बना हुआ है और बीच में बिस्वा बंगला थीम है। तो अब से हर सरकारी वहाँ के, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के हर सरकारी लेटर हेड सहित सभी सरकारी दस्तावेजों में इस नए लोगो का उपयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का नाम, उन्होंने उनका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियल लोगो बना दिया है, जिसके टॉप पे क्या है? ये अशोक स्तंभ है और बीच में क्या है? बिस्वा बंगला थीम है। तो याद रखना ये थीम कौन सी थीम है? बिस्वा बंगला। भाई बांग्ला का है तो बंगला तो हो गई थी, तो आगे का नाम याद रख लेना, वर्ड बिस्वा बंगला थीम, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं स्टैटिक, तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल बनेगा कोलकाता, CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है केशरीनाथ त्रिपाठी। अब त्रिपाठी से यहाँ पे आपको एक नाम याद आ जाएगा, कौन सा नाम है? BC त्रिपाठी। ये कौन है, या आप बताएंगे कि हम बताएंगे? चलिए हम बताते हैं, BC त्रिपाठी आपने पढ़ा था, हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, गेल आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD हैं BC त्रिपाठी, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, उससे पहले आप देख लें वेस्ट बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को में आता है, न्योरा वैली नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एक बार वीडियो जा करके देखें, आपको याद हो जाएंगे वीडियो देखते ही। चलिए आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ है FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने इंडसइंड बैंक के साथ एक टाइप कर लिया है। इसमें वो ग्राहक जिनकी राशि 1 लाख रुपए से अधिक है उन्हें FD बनाने की सुविधा दी जाएगी, और पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहक जिसको भी ये FD में एनरोल होगा, तो पेटीएम पेमेंट का जो बैंक का ग्राहक है, जब चाहे बिना किसी भुगतान के अपनी राशि को वापस निकाल भी सकता है, रिडीम भी करा सकता है। तो आपको याद रखना है वन लाइनर, कौन कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ टाइप किया है? इंडसइंड बैंक के साथ FD के लिए। बात कर लेते हैं पेटीएम जो आपका बैंक है उसके MD CEO कौन है? रेनू सत्ती। और इंडसइंड बैंक को तो हम देखते ही आ रहे हैं, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है R. शेषाई
और ऑनर ग्रुप किसका ऑनर ग्रुप है, ये हिंदुजा ग्रुप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि आज की न्यूज़ से हमने कितना सीखा। बेस्ट ऑफ लक। तो मीडियम जिनका इंग्लिश है उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, और जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है उस पोर्ट ट्रस्ट का नाम जिसने हाल ही में समुद्र मंथन कैरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो किसने? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को सार्क मेंबर कंट्रीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, आपको उस सिटी का नाम बताना है जिसने 2017 में क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीता था। तो किसने? इंदौर ने। अगर मैं बोलूं 2016 में तो क्या आंसर आएगा? मैसूर। और 2018 बोलूं तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी आंसर आया नहीं है। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, जब आएगा रिजल्ट तो हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद है, बिल्कुल। अगला देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने 10 रुपये का नोट जारी किया है, आपको बताना है उसके पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? तो सन टेम्पल, कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल की। आंसर होगा डी। अगला है, CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिसर ने हाल ही में भारत की GDP ग्रोथ रेट जारी की है 2017-18 की, बताइए वो कितनी है? तो आंसर क्या होगा? हिंट दूं, अभी 2-3 दिन पहले अपन ने HSBC के अकॉर्डिंग पढ़ा था, 2017-18 में जो उसने दी थी वही इसकी है, यानी कि दोनों की सेम है। तो कितनी थी? हाँ जी बिल्कुल, आपका आंसर सही है, 6.5। अगर हम बात करें थोड़ा सा HSBC का, तो उसने 17-18 में दी थी 6.5, और फिर 18-19 में दी थी 7, फिर 19-20 में दी थी 7.6, यानी कि पहले 0.5 बढ़ा था, फिर 0.6 बढ़ा था। उसने 3 साल की दी थी, इसने 1 ही साल की दी है। ठीक है, तो याद रखना हमारे लिए आसान है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है कि 2022 में होने वाले नेशनल गेम्स के 39th एडिशन को कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है? तो बताएं, हमने देखा था मेघालय, ठीक है, और उसके साथ अगर मैं पूछ लेता कि 2017 के साउथ एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो आंसर क्या होता? कुआलालंपुर, मलेशिया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन है, शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। इंडिया ने सार्क मेंबर कंट्रीज में से किस देश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है या बाहर कर दिया है? तो किसको कर दिया है? पाकिस्तान को। आप मुझे बता सकते हैं कि अब सार्क कंट्रीज में कौन कौन से देश बचे हुए हैं? तो 7 कौन कौन से देश से हमने कैसे याद किया था? MBBS नहीं करनी है, ठीक है, तो अब तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, सार्क की फुल फॉर्म पूछ लिया, तो क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि आंसर कौन सा होगा? आपका सी वाला। अगला देखते हैं क्या है, फिर से रिपीट हो रहा है, शायद रिपीट हो रहे हैं 2-3 क्वेश्चन है ना। 2022 में जो नेशनल गेम्स है, रिपीट हो रहा है, तो चलो बताओ, आप ही बताओ, 2022 में जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं उसका 39th एडिशन, वो कौन होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट? बता दिया, मेघालय। चलिए, अभी तो बताया था इसलिए बता दिया आप लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा स्टेट ने GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को टॉप किया है? तो किसने किया था? तमिलनाडु ने। अगर मैं यहाँ पे पूछता कि सबसे निचले स्तर में कौन है, तो आंसर होता बिहार। ठीक है, और ओवरऑल करंट न्यूज़ क्या थी कि अगर बात करें 16-17 की, तो 0.7% की वृद्धि नापी गई है इसमें। क्या चीज़ें हमें पता ही है कि हायर एजुकेशन में कितने बच्चों ने एनरोल किया है, अपना नाम लिखवाया है, उसके हिसाब से ये बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, CSO के अकॉर्डिंग यानी कि सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस के अकॉर्डिंग जो उसने भारत की GDP ग्रोथ रेट बताई है, ये फिर से रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, आज रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना, 2017-18 तो बता दो फिर, रिपीट हो रहे हैं, तो अभी तो बताया था 6.5। हाँ चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रैंक बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एज द वर्ल्ड मोस्ट, ठीक है, उस कंट्री का नाम बताएंगे जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच, एक सेकेंड, वर्ल्ड मोस्ट जेंडर की बात कर रहा है ना ये, हाँ आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्विटी की लिस्ट में फर्स्ट रैंक किसको मिली थी, यानी कि दुनिया के सबसे लिंग समान देशों के रूप में किसे पहला स्थान मिला था? तो किसे मिला था? आइसलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडर पेटीएम, ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ टाई अप कर लिया है?
अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी देने के लिए, तो किसके साथ किया था? इंडसइंड बैंक के साथ। आंसर होगा बी वाला। अगला देखते हैं क्या है। वेस्ट बंगाल की सीएम, ठीक है, क्या है? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में अपनी सरकार के लिए एक ऑफिशियल लोगो का अनावरण किया है। उस लोगो के टॉप में अशोक स्तंभ है और आपको बताना है उसके सेंटर में किसकी थीम है। तो किसकी थीम है, हमने देखा था बिस्वा बंगला की, तो याद रखना है बिस्वा बंगला। बताना है TIHCL यानी कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड को आरबीआई ने अभी एक फंक्शन की अनुमति दे दी है, तो वो फंक्शन क्या है, क्या है वो, किसकी तरह काम करेगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह, तो NHBC इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है, हाँ, मास के MD, तो मास के MD को UK बेस्ड मैगजीन के द्वारा एशिया प्रशांत सागर क्षेत्र में बेस्ट सेंट्रल बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया। तो उनका नाम बताना है, तो हमने कैसे याद किया था, वो आदमी होगा, कोई जानवर तो होगा नहीं, तो मैन से मैन, रवि मैनन, रवि मैनन। अगला बताना है कि विश्व बुक फेयर यानी कि विश्व पुस्तक मेला जो हाल ही में शुरू हुआ है और उसकी थीम क्या है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, वो कहाँ पे है आपको बताना, कहाँ पे शुरू हुआ है, तो कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं क्या है। चलिए आपको इसमें बताना है कि उस देश का नाम जो पहला रहा है, किस लिए पहला रहा है, महिलाओं और पुरुषों के बीच समान वेतन यानी कि सैलरी वेद यानी कि लीगलाइज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, वो कौन सा देश है? तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं, आइसलैंड होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कि हिमालया हाइड्रो एक्सपो 2018 किस सिटी में शुरू किए गए हैं, तो कहाँ पे, काठमांडू, ठीक है, तो काठमांडू इसका आंसर होगा, वहाँ की प्रेसिडेंट, नेपाल की प्रेसिडेंट ने इसे शुरू किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, अगर आपको वर्क अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।